हेलो ऑसम पीपल, वेलकम टू गीस ट्रेडिंग। हम लोग लाइव एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का 4 अगस्त 2022 के लिए। सो गाइस, 1 आवर चार्ट का मैं यहाँ पे लगाया हुआ हूँ बैंक निफ्टी का, और जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, है अभी हम लोग एक इंक्लाइंड वैल्यू एरिया पे चल रहे थे, ये जो कि जिगजैग वे में मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है। और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई करेक्शन आएगा तो हम लोग ये जो मैंने दूसरा एक और वैल्यू एरिया ड्रॉ किया हूँ लॉरेंशियो डैमिर के फेमस बुक ट्रेंड एनालिसिस के बेस्ड पर, तो अगर कोई करेक्शन आएगा तो ये वाले जोन पे करेक्शन आने का चांसेस रहता है, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आज मार्केट ये वाला ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहा था, ठीक है, और लास्ट में जो है फिर से अपना ओरिजिनल ट्रेंड जो कि मेरा बुलिश ट्रेंड था। एक्चुअली हम लोग अभी ट्रेंड जो है वो बुलिश तरह से ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो एक्चुअली गाइस, एनालिसिस इज मोर इम्पॉर्टेंट एज फॉर बिगनर्स, ओके। सो आइए हम लोग 15 मिनट चार्ट पे अब चलते हैं, ठीक है। सो 15 मिनट चार्ट पे गाइस, वी आर सेइंग कि हम लोग का कल का एनालिसिस ऑलमोस्ट सही था। हम लोग ये ऑलमोस्ट सोच रहे थे कि जब मार्केट ये वाले जिगजैग वैल्यू एरिया के हाई पर आएगा तो हम लोग जो है सोल्ड हो सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ तक इसके POC तक सेल हुए हैं, इसके POC तक सेल होके फिर हम लोग बॉट होने लगे थे, है ना। और ये डिक्लाइन ट्रेजेक्ट्री को हम लोग फॉलो नहीं किए, ये रिजेक्शन दिखा दिया, ये दिखाया कि अब जो है मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं ये अब करेक्शन पेस पे नहीं, करेक्शन जितना करना था कर लिया, अब जो है कंटिन्यू कर रहे हैं, अपना अप का रैली कंटिन्यू कर सकता है। सो गाइज, नेक्स्ट डे CPR एक बार ऑन करके देख लेते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट डे CPR अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डे CPR इज़ अ लोअर वैल्यू रिलेशनशिप फॉर बैंक निफ्टी। लोअर वैल्यू रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि देखिए, ये अभी पिछले दिन का CPR जो है और करंट डे का जो है CPR, ये ओवरलैपिंग लोअर वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा बुक एनालिसिस नहीं देखा है जिसमें हम लोग बुक्स का कुछ कुछ डिस्कस किए हैं तो वो आप देख सकते हैं, है ना, पिछले वीडियोस में लर्निंग सेशंस हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ अ लोअर वैल्यू रिलेशनशिप, लोअर वैल्यू रिलेशनशिप है, सो ठीक है। और लेकिन मार्केट जो है लास्ट में क्या हुआ, देखिए बड़े बड़े बुल कैंडल्स इसमें बन रहे हैं, ठीक है। देखिए बड़े बुल कैंडल्स जब बन रहे होते हैं तो हमको लगभग लगता है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट में बायर्स है। देखिए यहाँ इस पॉइंट पर देखिएगा, हम लोग का एनालिसिस के हिसाब से हम लोग सोचे थे कि मार्केट जो है करेक्शन करेगा, तो करेक्शन मार्केट यहाँ तक किया, उसके बाद जो है वो यहाँ से देखिए रेड कैंडल का इंटेंसिटी छोटा होने लगा और ग्रीन कैंडल का इंटेंसिटी बढ़ने लगा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बायर जो है री एंटर किए हैं यहाँ पे, ओके। सो गाइज, अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और कल का एनालिसिस के हिसाब से ये हो सकता है गाइज कि अब क्योंकि हम लोग अभी बुलिश हैं और POC पे हैं, तो अगर मार्केट जो है इस पिवट पे सपोर्ट लेगा, ठीक है, सपोर्ट लेता है अगर इस जोन के अराउंड पे, ठीक है, सो हम लोग जो है कहीं ना कहीं ऊपर जाने का चांसेस रहेगा, ठीक है। और गाइज, अगर मान लीजिए इस POC पे हम लोग रिजेक्शन हो गए तो हम लोग इस ट्रेजेक्ट्री के अराउंड कहीं आकर के सपोर्ट पे लेंगे, ठीक है। सो गाइज, ये बात का ध्यान देना है कि कैंडल्स किस तरह से बनते हैं और इंटेंसिटी क्या होता है उसका, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। और एक बार हम लोग निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं गाइज, ठीक है। निफ्टी, सो एज अ बिगनर पेपर ट्रेडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं खुद पेपर ट्रेडिंग ही करता हूँ, एंड दैट इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिगनर्स, एंड दैट इज़ अ वे टू लर्न, ओके। जस्ट मेयरली रनिंग आफ्टर द मनी एंड प्रॉफिट्स के बारे सोचते रहना इज़ लाइक नॉट दैट गुड, ओके। सो आइए निफ्टी एनालिसिस पे चलते हैं, जैसे 15 मिनट एनालिसिस। निफ्टी में भी हम वैसे ही वैल्यू एरियाज जो है ड्रॉ करते गए थे, ठीक है। ये मेरा इंक्लाइंड जोन में जो है मार्केट जो है जा रहा था, ठीक है। तो अभी हम लोग कल हम लोग जो है तो 3 दिन का मिला करके एक वैल्यू एरिया ड्रॉ किया हूँ मैं यहाँ पे, जो कि ऑरेंज सर्कल्स ऑरेंज वाले रेक्टेंगल के अंदर आप देख रहे हैं। तो जब जब मार्केट इसके ऊपर आता था सोल्ड होकर नीचे आ रहा था, और जब जब हम लोग नीचे थे वी आर ऑन द बाय साइड, ठीक है। एक्चुअल ट्रेंड इसका अप ट्रेंड ही है, लेकिन क्या होता है वैल्यू एरिया के लो पे हम लोग बाय करते हैं और वैल्यू एरिया हाई पे हम लोग सेल करके लो तक का आने का सोचते हैं, ठीक है। सो देखिए, मार्केट जो है लास्ट में बुलिश टर्न हो गया है। नेक्स्ट CPR अगर मैं ऑन करूँ तो नेक्स्ट CPR निफ्टी के लिए एक हायर वैल्यू रिलेशनशिप है, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन, ठीक है। और लास्ट में जो है मार्केट बहुत अच्छा बुलिश दिया है, बुल बैक दिखे हैं, ठीक है। सो अगर गाइज मार्केट जो है इस
CPR के अराउंड पे सपोर्ट लेगा तो वी आर दिस अ गुड चांस कि वी कैन गो अप है ना. ओके एंड ओके एंड क्या होगा कि R1 R2 कहीं पे भी हम लोग पहुंच सकते हैं ठीक है. और अगर मान लीजिए गाइस POC पे सेलिंग अगर देखने को मिलेगा तो वी कैन हैव अ करेक्शन टिल हेयर, जैसा कि हम लोग बैंक निफ्टी में डिस्कस किए थे ठीक है. ओके सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग येस्टरडे वीडियोज में भी आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच. लेट्स लर्न एंड अर्न टुगेदर, डू पेपर ट्रेडिंग और हैव एनालिसिस एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ इट एंड आई थिंक वी विल श्योरली सक्सीड गाइज. थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग.